आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की आत्मा से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं करता आप पर ऑफिस होंगे नमस्ते और मुस्कुराते हैं और खुशियाँ बांटते रहें। तो चलते हैं आप आज की वीडियो, आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, मोदी भारत को सुपर पावर बनाने पर तुला है हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में वीडियो देखते हैं फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। जो बेंगलोर सिटी से सिर्फ एक टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा है। I was shocked actually to hear that statistic. 30 साल से हम कर्ज लेके कर्ज वापस कर रहे हैं भाई, that is why we are in such a debt. आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम की बेस पे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इन्होंने एक इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो हैं, मोमिन साहब जो हैं, वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं। आपने इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि आपकी बड़ी पिटाई होती। इनका 100% ऑब्जेक्टिव डॉक्टर जयशंकर, उनका 100% ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करना। सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर $1 बिलियन, और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ $332 बिलियन है। अब इंडिया इज वास्टली अबव अस, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिससे उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का सिर्फ एक शहर जितना टैक्स देता है, पूरे पाकिस्तान में उतनी टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती। ये हाल है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का, इसीलिए आज पाकिस्तान पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ इन दिनों बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मेमन भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से रविवार को मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात 7वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक के मद्देनजर हुई है। बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय विदेश मंत्री ने बड़े गर्व से बताया कि आज बांग्लादेश हमारे क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत फेरी से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। जो बेंगलोर सिटी से सिर्फ एक टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा है। आई वाज शॉक्ड एक्चुअली टू हियर दैट स्टैटिस्टिक। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े डीएचए में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बैरिया में घर हैं, इन पे प्रॉपर्टी टैक्सेस, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक टैक्स की फॉर एग्जांपल, अपने ह्यूमन कैपिटल को ठीक नहीं करते हैं, आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे आपके पास डॉलर आ सके, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हमसाया है इंडिया, इंडिया की रिजर्व्स अगर आप देखें आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो बहुत लो हुआ करती थी। पाकिस्तान और इंडिया की रिजर्व प्रोपोर्शनली एक ही ऐसी होती थी। अब इंडिया इज वास्टली अबव अस, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिससे उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया है, और उसको आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम की बेस पे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप मोदी हुकूमत एंड बिफोर दैट कांग्रेस गवर्नमेंट, इन्होंने एक इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। हमारे यहाँ जो सा वो ये नहीं हुआ, हमारा जो एलीट कैप्चर है वो इतना सख्त है, और वो हमारा जो एलीट तबका वो इतना जालिम है और इतना सेल्फिश है, इतना खुदगर्ज और जालिम है। जैसे पिछले दिनों आपके प्रोग्राम पे ही मेरा ख्याल है हमारे एक भारतीय दोस्त है, और आई थिंक मैंने ट्वीट्स भी देखी है इस बारे में, और वो ठीक कहते हैं कि भाई आपका सारे लोग हैं जो उनसे वो पैसे बनाते हैं, उड़ाते हैं और बाहर चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठते हैं, और एजोंसा वो वहां से पैसे वापस नहीं लाते। दोस्तों, इस वक्त अगर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो हैं, मोमिन साहब जो हैं, वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं, और
एक सेवंथ राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो उस पर वो अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि जारी बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे। इसके अलावा वो और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन ये विजिट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022, उसमें शिरकत की थी, और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब जाहिर बात है अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को वो 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600-650 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में इंडिया इज कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड, और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ दी जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज इंडिया, विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर 1 बिलियन डॉलर, और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ 332 बिलियन डॉलर है। सो जारी बात है बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया। उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है, ये जारी बात है ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को याद तो रखती हैं, और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हमांगी पाई जाती है, जो कि जारी बात है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी के हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो खत्म नहीं हुए, ना हुए हैं ना ही शायद होंगे। तो भारत इसमें स्मार्ट खेला उन्होंने, वो ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके आगे दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, जिनकी इकोनॉमीज होती हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जिनके अंदर नेशनलिज्म होता है। देखे ना, मैं हमेशा लोग मुझे कहते हैं शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, जरा कंपेयर करके आप देख लें अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को पिछले को और जयशंकर को, तो आपको ये खुला सामने नजर आ जाएगा खुली किताब की तरह कि उनका 100% ऑब्जेक्टिव डॉक्टर जयशंकर उनका 100% ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करना और भारत की फॉरेन हमारे देख लें। मैं समझता हूं बिलावल साहब पे मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, सिर्फ एक भाई, ये जो तारण साहब ने लास्ट वाली बात की है ना, ये उसने झूठ बोला है। बिलावर को शाह महमूद कुरैशी के साथ मिला, ये जमीन और आसमान का फर्क है। चाहे पुलिसी हो सकता है ना चला सके, शाह महमूद कुरैशी नहीं बिछा सके, तारा रहना इसकी तो बात है, शहबाज शरीफ के लिए कोई सीरियस नहीं ले सकता, वो इसलिए ने बोला ना, कोई इतना बोल रहा है भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ उसकी पार्टी के एक जैसे हैं, इतना जायज बंदा के एक बच्चा है उसको, और जिसका सारी जिंदगी फॉरेन मिनिस्टर रहा है उसका, उस बच्चे के साथ भाई अरे इसको पता नहीं देते जाल, चलो उसकी अपनी मर्जी, जिस तरह किस तरह हो सकता है भाई, ये चाहे मेरी बात ना भाई गुजार इख्लाफ हो सकते हैं, मेरे खिलाफ है, हर इंडियंस के साथ हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, भाई यकूब के साथ इख्लाफ राय होना कोई इशू नहीं, लेकिन जो हकीकत उसको तस्लीम करना ये सबसे बड़ी बात रही है,
ये दलेरी होती है कि आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये हकीकत है कि इंडिया हमसे तरक्की कर रहा है। अगर हम ये नहीं हकीकत इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया हम ना भी रुखसार भाई माने ना, इंडिया की तरक्की रोक नहीं जानी, नहीं रुक सकती हमारे कहने से, इंडिया कुछ नहीं रुकेगी। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश इस वक्त तरक्की कर रहा है ना भाई, वो इंडिया के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुक है, सब सारी कंट्रियों के साथ अच्छा रिलेशन भाई, उन्होंने मेहनत भी की है, इंडिया के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हैं, जो भी चीज उसके लेन देन है वो इंडिया के साथ वो कर रहे हैं भाई। ये भी एक और एक बात, ये मैं कहता हूँ, ये बांग्लादेश की इतनी तरक्की की वजह जो है ना, मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से ये होना था, पाकिस्तान से वो अलग हुए और वो तरक्की की तरफ भाई गुजार है। हाँ ये बात ठीक है, जब पाकिस्तान से जब अलग हुए वो तरक्की के रास्ते पर, वही के वही रह गए जो हमारे लीडर थे, उनको पूरा हक नहीं देते थे भाई। मुझे मेरी बात सुनना है, मैंने ये भी पॉइंट उठाया, वो मुझे उसका नाम नहीं पता, सन 1947 से लेकर आज तक हमारे जितने भी अफसरान हैं जो 18वें ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड 22 ग्रेड तक चेक करें, फौज के भी और बाकी जो पीएसपी बात कोई भी इदारे के ले रहे, जितने भी अफसरान गुजरे हैं उनकी आपने देखें कि नस्लें कहाँ हैं, यकीन करें 95% जो 18 ग्रेड से 22 ग्रेड तक हमारे रिटायर अफसरान गुजरे हैं 1947 से लेकर अब तक, उनमें से 95% ऐसे होंगे जिनकी औलादें जायदादें कोई हमारा आर्मी चीफ जो सबका हो चुका है, जो हमारे जज है जो सबका हो चुके हैं, या सियासतदान हो चुके हैं, कोई इदारे का एक बंदा दिखा दो जिसके बच्चे इधर हो, कारोबार इधर हो, घर इधर हो, नहीं उनका ये मुल्क ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो चाहिए बाहर ऐशो आराम। भाई मेरी बात सुनो, सर ने एक बात की है, आपका कोई एक बंदा ऐसा नहीं जाने 74 साल में इधर काम किया, पैसा इधर लगा, वो इधर से कमाते बाहर कारोबार बनाने, इसलिए तो पाकिस्तान नीचे जा रहा है किसी को मुल्क की, इंडिया का बिजनेस मैन है मेरा भाई, वो पैसे से कमा के अपना नाम, उन्होंने तो यही बात इधर से लेकर बाहर जाना, उसको बात तो करने देने के नहीं, कोई अंबानी या अडानी जितने भी देख रहे दुनिया के अमीर बंदों में इंडिया का नाम है ना रुखसार भाई, वो पैसे से पैसा कमा के अपनी मेहनत करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करके पैसा इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के आवाम के लिए, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए, एक सारा टारगेट बंदे देख लो, मोदी ने एक टारगेट भी दिया था अपने फॉरेन जो है ना, जो दूसरे मालिक में कहा था कि आप ऐसा करें कि जो आपके बाहर भाई है ना, जो दूसरे मालिक लोग फ्रेंडशिप जिनके साथ आप हो सकते हैं फ्रेंडशिप करें और उनको ये कायल करें, उनको माल करें, उनको ये कहे कि हमारे मुल्क में आए, इंडिया में आए, पांच आदमी आप कन्विंस करना कि आप इंडिया में आए, और देखे फिर आप इंडिया का, मैं वो बात कर रहा हूँ कि इंडिया का नीचे से ऊपर चले गया जाएगा, पांच आदमी बंदे की पुलिस ही देखे, पाकिस्तान को छोड़ दे, अफसरान को छोड़ दे, हम तीनों बैठे हैं, या हमारे गांव के जो लोग हमारे आम तबके के आम माशरे के उनको देख, उनकी सोच क्या, मैं जिसके पास भी बैठा हूँ यार पाकिस्तान में क्या रखा है, बाहर चले जाओ, मैं पढ़ा लिखा मैं एमएस मिस हूँ, मुझे हर बंदा यही ताना देता है, यार तुम इतना पढ़ा लिखा होकर बाहर नहीं गया इधर क्या, यार पाकिस्तान में भी रह के कुछ किया जा सकता है, मुझे अपने फैमिली में टॉर्चर किया जाता है, अपने फैमिली में किया जाता है कि आप इतना पढ़ लिखा है, इस वक्त तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारा क्या फ्यूचर है, तुम्हें कितनी उम्र तुम्हारी हो, कोई फ्यूचर नहीं भाई, मेरा मेरी बात माने रहा, आपका कोई फ्यूचर पढ़ लिखकर गुजार पति कदर क्या है, सिर्फ इतनी मैटर करो पुलिस में पैसे देकर भर्ती हो, मैं तुझे ये सच्ची बात आज से 2 दिन पहले की बताता हूँ, हमारे एक ना साथ एक गांव है ककुआना जो है ना 215 ककुआना, ये यकीन मानो उसके अंदर हमारा वजीर कानून जो बंदा है ना राणा सनाउला, उसका बंदा है, उसके 2 सेक्रेटरी को उसके नीचे मुंशी वगैरह, उसने जनाब 11-11 करोड़ रुपया लिया, 11-11 लाख एक पुलिस के बंदे को भर्ती करने के लिए, एक कांस्टेबल को भर्ती करने के लिए, मेरे सामने की बात है 11 लाख रुपया एक बंदे से लिया कक्कू भाई, भाई आप देख ले वो बंदा पड़ा हुआ है, उसने एफए किया है, आज से आगे एफए किया है, तरक्की क्या होगी मुझे ये बता, वो कमाएगा नहीं जिसने 11 लाख दिया है नौकरी करने के लिए,
वो रोडों पे करप्शन नहीं करेगा, करेगा वो पैसा नहीं लेगा, शरेआम करेगा, फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आप पढ़े लिखे हम कहां जाएंगे? फिर बाहर ही जाना पड़ेगा अपना बच्चों का पेट भरने के लिए। और हकीकत में बात करें, मैं अब दिल बर्दाश्त होने लगा, मुझे डेढ़ दो साल हो गए अभी तक जॉब नहीं मिली। और इससे हकीकत अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वही मुझे ताना तिछना करते हैं, आप पढ़ लिख कर एम फिल का एडमिशन लेकर आप अभी इधर ही फिर रहे हैं, आप बाहर क्यों जा रही, इधर पढ़ना में क्या होना तो ये चाहिए था कि जो मेरिट पे बंदा तलीम, एक बच्चा तलीम हासिल करना, बच्ची है बच्चा है, उसको मेरिट पे लेके आए, उसने जिस शोबे में उसने तरक्की करनी किया जो वो मुकम्मल करे उसे करने दे, उसकी मदद करे इदारे और मुझे हुकूमत उसका साथ दे। भाई भाई मुझे भी ऑफर हुई थी करप्शन करवाने की, मुझे भी किसी आदमी ने कहा था कि आप मुझे इतने पैसे दे, मैंने कहा मैंने आपको एक देना भी नहीं, मैं लगूं ना लगूं हकीकत बात है, मुझे तहसीलदार कह रहा था कि आप मुझे पैसे दे मैं आपको लगवा देता हूँ, आप पढ़े लिखे ठीक है एडजस्ट हूँ, मैंने कहा मैंने एक ढेला भी नहीं, अगर मैं आज देकर गया तो कल का मेरा भी जहन यही होगा कि मैं भी करप्शन करके आया हूँ। और मैं अच्छा आप मुझे एक बात सिर्फ बता दें, आप दोनों आपके गांव में जितने भी पुलिस वाले लड़के लगे हुए हैं एक बंदा मेरठ पे मुझे दिखा दो, वो एक दो है चंद वो एक आधे बंदे से कुछ नहीं ना, इतने ज्यादा पुलिस में लगे हुए हैं। मेरी बात सुनो, जो इमरान खान के दौर में वो करप्शन के बगैर वो शुक्र है आप बात कुछ तो मान गए भी इमरान खान भाई, जो करप्शन हुई है इमरान खान के दौर में भी हुई है तो हुई है बहुत करप्शन कुछ ना कुछ भाई, या भी रोक नहीं सकते इमरान खान साहब, भाई करप्शन को मुकम्मल रोकना गुजार इतना आसान नहीं, जो 74 साल से जो नस्लें बिगड़ी हुई है ना, ये शहबाज शरीफ और जरदारी, नवाज शरीफ को और जरदारी का एमपीए एमएलए कोटे की ऐसा सिस्टम लिया हुआ है, मेरी तो बात जी, उन्होंने ऐसा सिस्टम लाया कि जो नीचे भी खाते हैं ऊपर भी देते हैं, ऐसे पाकिस्तान चला जाए चपरासी वजीर आजम तो खाने वाले ही है मेरा भाई। ओवरऑल हमारे जो इस सवाल की सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो बदती है, करप्शन है, क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े तक सारे सारे के सारे पूछने वाला ही कोई नहीं, कुछ कोई भी पूछ नहीं सकता। आप अगर केस जाता भी अदालत में उसमें अब एक कातिल बंदा वो 2-4-5 करोड़ देकर भाई हमारे यहाँ इधर गांव में देखो कत्ल दिन धारे कत्ल किया है, माना भी है, कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि जो दिन दहाड़े कत्ल करे उसको साबित हो जाए तो 15 दिन या महीने में उसको दिन दहाड़े। वही बात में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस मुल्क में ऐसा कानून होगा फिर उसकी बात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कोई माशरा अदल इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता, अगर किसी माशरे को चलाना है तो वो अदल इंसाफ पर ही चलेगा, उस पर ही कायम रहेगा, जब उस माशरे में अदल इंसाफ नहीं होगा उस वक्त वो कोई माशा तरक्की नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी एक ईमानदार पढ़े लिखे और मुहिब वतन अफसर मिले जो हमारे मुल्क में भी दूसरे ममालिक की तरह करप्शन का निज़ाम ख़त्म हो, हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो सामने आए, वो उभर के आए, ताकि हमारे मुल्क भी एक जो एक नाम हो दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद पर कायम हैं, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।